बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मानी स्टूडियो। मानी स्टूडियो चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको DJI स्पार्क मिनी ड्रोन और रिमोट को बगैर मोबाइल के कनेक्ट करने का तरीका दिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे इसे बगैर मोबाइल के कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में DJI गोफर ऐप इंस्टॉल नहीं है या आपका मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है, शॉर्टकट में इसे सिर्फ फ्लाई करना चाहते हैं तो बगैर मोबाइल के इसे कैसे फ्लाई कर सकते हैं और कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल मानी स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। जी व्यूअर्स, तो चलें आपको पहले रिमोट के बारे में कि इसकी में रिकॉर्डिंग कैसे करनी है और कैसे इसे ऑपरेट करना है। जी तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इसकी डबल क्लिक करेंगे ऐसे तो ये पावर ऑन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इससे हम गेमोल का व्यू ऊपर नीचे IDA पे लेंगे, ठीक है, और यहाँ से रिकॉर्डिंग करेगा और यहाँ से ये पिक्चर बनाएगा। जी ये इसके हैंडल हैं जिससे हम इसे बगैर मोबाइल के इसे फ्लाई करेंगे। तो इसमें मेमोरी कार्ड होना ज़रूरी है, अगर आपने इसकी वीडियो लेनी है तो यहाँ पे इसके मेमोरी कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपने वीडियो नहीं लेनी सिर्फ फ्लाई करना है तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड होना ज़रूरी नहीं है, आप फ्लाई कर सकते हैं। तो इसकी हम पावर ऑन करते हैं। जी तो आप देख सकते हैं ड्रोन कनेक्ट हो गया है, ये सपोज़ लाइट आ गई है तो हम इसे ये दो स्टिकें इन्हें ऐसे प्रेस करते हैं और नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं आप ड्रोन स्टार्ट हो गया। वैसे नॉर्मली अगर आप DJI गो फॉर ऐप पे से फ्लाई लेते हैं तो ये एक मखसूस हाइट पे जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसे आप अपनी मर्ज़ी से फ्लाई करेंगे। ठीक है जी, लैंडिंग हम नॉर्मली इसकी को डाउन करके करेंगे।